प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने वो चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, सिंथेटिक फाइबर वाला। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक को अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं अपन, मेटल्स एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों देखो, मेटल्स ये तो आपको पता ही है कि जितने भी, जैसे आपके घर पे कूलर है लोहे का, फैन है, आजकल तो चलो प्लास्टिक आ गए, तो ये सारे क्या है, मेटल है। तो जो मेटल है तो आपको इसके बारे में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, यानी मेटल्स जो होते हैं उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और नॉन मेटल है उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। तो इसको अपन एक बाय एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ टेबल के रूप में इसको ड्रॉ किया है, लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी अपन क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी, मेटल एंड नॉन मेटल्स की। तो देखो, जिसमें ये अपन ने यहाँ पे मैंने लिख दिया मेटल्स, इस साइड लिख लिया नॉन मेटल्स। अपन पहला पढ़ रहे फिजिकल प्रॉपर्टी में कंडक्टिविटी। देखो, कंडक्टिविटी का मतलब जिसके अंदर से करंट पास हो जाए। तो देखो, आपको पता ही होगा घर पे जो अपने वायर होते हैं, वायरिंग जितनी भी है, तो उसके अंदर जो वायर है वो मेटल का वायर है, इसलिए उसमें कंडक्ट यानी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए दो दो कंडीशन रेस्पॉन्सिबल होती है, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होता है फ्री आयंस। आयंस वाला अभी आप नहीं पढ़ोगे, बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड डाली जाती है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, उसको आपको नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, मेटालिक के बारे में पढ़ना है, यानी वो तो हो गया फ्री आयंस के बारे में। तो कंडक्टिविटी के लिए क्या है, मेटल जो होंगे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन होने के बाद वो क्या है, मूव करेंगे और उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो जितने भी मेटल है वो क्या है, गुड कंडक्टर। मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है। आपने देखा होगा आयरन, ये आयरन का मतलब लोहा, और कॉपर, कॉपर के जो वायर होते हैं, तांबे की वायर देखा हो, देखे होंगे आपने घर पे। अब जैसे कूलर है तो कूलर कभी खराब हो तो देखना, वो जो मैकेनिक ठीक करता है उसके अंदर कॉपर की कॉइलिंग होती है या एल्यूमिनियम की कॉइलिंग होती है, तो ये भी क्या एक वायर है, यानी ये भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स के बारे में क्या बताया, सच एज आयरन, ये इसका सिंबल है एफ और ई, कैपिटल है और स्मॉल ई, ये आयरन का सिंबल है, और कॉपर, कॉपर का है कैपिटल सी और स्मॉल यू। तो जो मेटल्स है जैसे आयरन और कॉपर आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए ये अच्छे चालक है। जैसे देखो, आपने कोई भी कॉपर का बर्तन ले लो, ठीक है, या आप मान लो कोई, आपने कोई रोड ली है कॉपर की, आप उसको गर्म करोगे तो क्या होगा, उस जो जिस पॉइंट से आप गर्म कर रहे हो तो उसके जो पार्टिकल्स है वो हीट एनर्जी गेन करते करते इस पूरे पूरा जो आपने रोल पकड़ी है वो पूरी गर्म हो जाएगी, यानी हीट के लिए भी है और कंडक्टिविटी तो है ही है, अगर करंट पास किया तो करंट भी पास हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेटल जैसे आयरन कॉपर, ये कैसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये मेटल्स है इसी वजह से। तो नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होगी, नॉन मेटल जैसे कोल, कोल यानी कोयला, और जैसे सल्फर, ये जो नॉन मेटल्स में आते हैं, आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी पुअर, बिल्कुल ना के बराबर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, क्योंकि उनके अंदर शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है, एमॉर्फस होने के कारण। पर देखो, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, आपको क्या याद रखना है, अपवाद, एक्सेप्शन की हमेशा याद रखना है, नॉन मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते, पर ये एक एक्सेप्शन है, कौन सा, ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट होता है वो एक एक्सेप्शन है, यानी ग्रेफाइट में क्या है, गुड कंडक्टर। आपने देखा होगा पेंसिल, जो पेंसिल है पेंसिल के अंदर एक काला काला है जिससे आप लिखते हो, आप दोनों तरफ से छील लो, ठीक है, पेंसिल को, और इस साइड भी वायर बांध दो, इस साइड भी वायर बांध दो, फिर आप उसको एक वायर के रूप में आप कंडक्टिविटी कर सकते हो, यानी ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या है, गुड कंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा, कंडक्टिविटी। दूसरा पॉइंट, डक्टिलिटी। देखो अच्छा है ये टर्म डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर, यानी आप मेटल से वायर बनाने, बिल्कुल फाइन वायर, उसको कहते हैं डक्टिलिटी। क्या लिखा है, मेटल जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के वायर
कॉपर ही ना, कॉपर कॉपर आर डक्टाइल, ये कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, विच मीन्स दैट दे कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स, जिसको आप इनके वायर्स बना सकते हो, पतले वायर्स। जैसे आपने देखा होगा जो अपना कंप्यूटर होता है उसका जो सीपीयू होता है उसके अंदर जो वायरिंग होती है बिल्कुल फाइन वायर, तो वो सारे गोल्ड के वायर होते हैं, ठीक है, वो किसके वायर होते हैं, गोल्ड के। और बिल्कुल 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर तक लंबा वायर बना सकते हो, तो कितना फाइन काम होगा। ये डक्टिलिटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि 1 ग्राम सोने से आप 1 से 2 किलोमीटर बड़ा वायर बना सकते हो, कितना फाइन है। और जितना भी कंप्यूटर है उनकी जो सीपीयू होता है उसमें सारे गोल्ड की वायरिंग होती है, तो ये क्या हो गया, डक्टिलिटी का ही तो एग्जाम्पल हुआ। यानी आप इसको जो मेटल्स होते हैं उसको आप वायर बना सकते हैं, अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें आजकल सस्ता है एल्यूमिनियम का वायर, कॉपर का कम होता है, थोड़ा कॉस्टली आता है इस वजह से। तो ये कैसे हो गया, मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होगी डक्टिलिटी। अब नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं, नॉन मेटल आर ब्रिटल, यानी थोड़ा मारते टूट जाना, जैसे आप उसको प्रेशर कर दिया टूट गया, उसको कहते हैं ब्रिटल। तो नॉन मेटल आर ब्रिटल, ब्रेक डाउन इनटू स्टक, व्हेन स्टक, यानी जैसे आप स्टक करोगे तो ये कैसे हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड हेंस दे कैन नॉट ड्रा इनटू वायर। यानी नॉन मेटल से आप क्या बना नहीं सकते, वायर नहीं बना सकते, इसका मतलब क्या है, ये डक्टिलिटी शो नहीं करता, मेटल क्या करते हैं, डक्टिलिटी शो करते हैं। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं हार्डनेस। देखो मेटल्स अपने देखे होंगे कूलर, लोहे के घर पे जो कूलर है हार्ड है, ऑब्वियसली हार्ड है, तो जो मेटल्स जनरली हार्ड है ज्यादातर हार्ड ही मिलेंगे, कुछ एक्सेप्शन है, तो आपको क्या है एक्सेप्शन को याद रखना है। तो देखो ऑल मेटल्स आर हार्ड, जैसे लगभग सारे मेटल्स हार्ड होते हैं, थ्रू देयर आर सम एक्सेप्शन, पर कुछ एक्सेप्शन, जैसे सोडियम, ये तो बिल्कुल रबड़ जैसा होता है, यानी मेटल होने के बावजूद भी क्या है, सॉफ्ट है, मेटल होने के बावजूद भी ये क्या है, सॉफ्ट है। सोडियम ये बिल्कुल रबड़ जैसा होता है, इरेजर जैसा, जिसको केरोसिन में रखना पड़ता है। देखो ऐसा मेटल है जिसको ये क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल, जिसको विच आर पुट इन केरोसिन, क्यों, क्योंकि जैसे आप उसको ओपन इन एयर एक्सपोज कर दोगे, खुले में रख दोगे, तो आग पकड़ लेता है, इसलिए ये ऐसा मेटल है जिसको केरोसिन में रखना पड़ता है। जनरली बहुत बार पूछा जाता है ऐसे मेटल का नाम बताइए जिसको केरोसिन में रखना पड़ता है, तो क्या है नाम है उसका, सोडियम। और ये बिल्कुल सॉफ्ट है, आप जैसे बड़ी क्लासों में आओगे, जैसे 12वीं में एक पढ़ाते हैं LS बनाना, उसमें सोडियम का यूज करते हैं, तो बिल्कुल रबड़ जैसा होता है, केरोसिन के अंदर रखा हुआ होता है, ठीक है। अभी क्या लिखा है, एक्सेप्शन सोडियम हो गया और पोटेशियम, ये पोटेशियम भी सॉफ्ट होता है, वैसे इसको केरोसिन में नहीं रखना पड़ता, सोडियम को रखना पड़ता है, पर ये भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, और जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। यानी दे कैन कट इन टू नाइफ, आप चाकू से इन मेटल को काट सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं ये दोनों, सोडियम और पोटेशियम। और सोडियम के बारे में मैंने क्या बताया, इसको तो कहाँ रखना पड़ता है, केरोसिन में, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। अब देखो नॉन मेटल पे चलते हैं, मोस्ट नॉन मेटल आर सॉफ्ट, जनरली कैसे होते हैं नॉन मेटल, सॉफ्ट होते हैं। अब मैंने क्या बताया आपको, साइंस में एक ही बात याद रखनी, जहां जहां एक्सेप्शन किसे उसको लर्न करना जरूरी है। अब जैसे नॉन मेटल क्या बताया, सॉफ्ट होते हैं, पर देखो इसमें भी एक्सेप्शन है, डायमंड, जो डायमंड है ये नॉन मेटल है, और कैसा है, हार्ड है, पूरी पृथ्वी पे पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है डायमंड। डायमंड आर एक्सेप्शन एज दे आर हार्डेस्ट मटेरियल फाउंड ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, यानी ये हार्ड होने के बावजूद भी दे आर ऑल्सो वेरी, दे आर अलाउड वेरी, दे आर ऑल्सो वेरी ब्रिटल, दे आर ऑल्सो वेरी ब्रिटल, यानी ये हार्ड तो है पर ब्रिटल है, यानी जैसे आप हथौड़े पे, हथौड़ों से उस पर वार करो डायमंड पे, तो वो बिखर जाएगा टूट के, यानी हार्डेस्ट तो जरूर है पर जैसे आप उसको हथौड़े से पीटोगे तो ये इसके ब्रिटल यानी बिखर जाएगा टूटे। दे आर ऑल्सो वेरी ब्रिटल वेन एंड ब्रेक विथ स्टक विथ हैमर, यानी आप हथौड़ों पे करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट लश्यर, लश्यर का मतलब होता है चमक, यानी मेटल जो होते हैं वो जनरली चमक, जैसे आपने देखा होगा घर पे जो गहने हैं जैसे गोल्ड के, सिल्वर के, ये जो गहने हैं चमक के हिसाब से ही तो पहनते हैं, बाकी ऐसे थोड़ी है कोई लोहे के गहने पहनता है क्या, नहीं पहनता, क्योंकि उसमें चमक कम होती है,
जो अच्छी चमक शाइन अच्छा करे और जो रिएक्टिव कम, उसको उसके रूप में अपन गहने यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, मेटल से एच गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है एयू, यह है सिल्वर, ये क्या है सिल्वर, और ये कॉपर वाला ये रहा। तो जैसे गोल्ड सिल्वर कॉपर आर लश्यर, विच मीन्स दैट दे आर रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम देयर सरफेस, यानी सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं तो इसलिए शाइन होते हैं, एंड कैन बी पॉलिश, और जिनका पॉलिश किया होता है पॉलिश भी कर सकते हैं, यानी मेटल की ये कुछ प्रॉपर्टी। नॉन मेटल में देखिए इस पॉइंट को, नॉन मेटल सच एज कोल आर जनरली डल, कहाँ चमक होती है कोल में, एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, यानी वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करते कोल, हेंस लेक ऑफ मेटेलिक लश्यर, यानी नॉन मेटल जो होते हैं वो मेटेलिक लश्यर को शो नहीं करते हैं। दूसरी बात, ये डक्टिलिटी को शो नहीं करते, ठीक है, और ये बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका ये बिल्कुल उल्टा। अभी बहुत सारे बाकी है जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।